3 रोटी की आत्मकथा। दोपहर का समय था, विपुल खाना खाने बैठा। माँ ने थाली में रोटी लाकर रख दी, गर्मा गर्म फूली फूली रोटी। विपुल ने रोटी को हाथ लगाया और फौरन ही हटा लिया। वह अपनी उंगली पकड़कर रोने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अरे मेरी तो उंगली जल गई और इसे हंसी सूझ रही है, कौन है ये? विपुल ने इधर उधर देखकर कहा। सामने देखा तो पाया कि थाली की रोटी खिल खिलाकर हंस रही थी। रोटी हंसकर बोली, वाह विपुल, अपनी जरा सी उंगली जलने पर रोने लगे। मुझे देखो, मैंने अब तक कितना दुख उठाया है, फिर भी हंस रही हूँ। मेरी कहानी सुनोगे? रोना बंद करके विपुल ने कहा, हाँ हाँ, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती है, तुम मुझे अपनी कहानी जरूर सुनाओ। रोटी बोली, सुनाती हूँ, लो सुनो मेरी आत्मकथा। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। उसके पास एक खेत था। वह अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था। एक बार उसने अपने खेत को जोता। जोतने से उसके खेत की सब घास समाप्त हो गई। फिर उसने खेत में पानी भर दिया और कुछ दिन बाद खेत में पाटा लगाया। फिर उसने दोबारा खेत की जोताई की और पाटा भी लगाया। ऐसा उसने कई बार किया। इससे खेत की मिट्टी नम और भुरभुरी हो गई। फिर किसान ने खेत में गेहूं के ढेर सारे दाने बिखेर दिए और जुताई करके पुनः पाटा लगा दिया। कुछ दिनों बाद खेत में अनगिनत हरे हरे अंकुर निकले। अंकुरों को देखकर किसान ने खेत सींचा। खेत में हरियाली छा गई। लगा जैसे कि खेत में हरे रंग का गलीचा बिछ गया हो। लेकिन तुम तो मुझे अपनी कहानी सुनाने जा रही थी, फिर किसान और खेत की कहानी क्यों कहने लगी? विपुल ने रोटी को बीच में टोका। बोले विपुल, खेत में मेरा जन्म हुआ, किसान ने मुझे पाला पोसा, वह मेरी कहानी से ही जुड़ा है, भला उसे मैं कैसे भूल जाऊं? रोटी बोली। तो आगे की कहानी सुनाओ, विपुल ने कहा। रोटी बोली, सुनो, किसान उस पौधों को पानी देता रहा और उसकी देखभाल करता रहा। कुछ दिनों में वे पौधे बड़े हो गए, उनमें से सुंदर बालियां निकली। थोड़े दिनों बाद बालियों का रंग सुनहरा हो गया। हवा से लहराती हुई अनगिनत बालियां बड़ी रमणीक लगती थी। मैं कुछ दिनों तक बालियों में छुपी हुई हवा के हिंडोले पर सवार होकर झूलती रही। सचमुच बड़ा आनंद आता था झूलने में। किंतु थोड़े दिनों बाद ही तेज गर्म हवा चली। बालियों में छिपा हुआ मेरा शरीर गर्मी में तपने लगा। एक दिन किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में आया और खुश होकर बोला, अरे गेहूं तो पक गए, कल से इन्हें काटेंगे। मेहनती किसान और उसकी पत्नी ने 3 दिन में गेहूं की फसल काट डाली। 4-6 दिन बाद एक मुसीबत आई। मेरे लिए यह कठोर परीक्षा की घड़ी थी। किसान ने गेहूं के पके हुए पौधों के गट्ठर एक मशीन में डाले। मशीन ने भूसा और गेहूं अलग अलग कर दिए। गेहूं के चमकदार सुनहरे दानों का बड़ा ढेर लग गया। उसी बड़े ढेर में छिपी बैठी थी मैं। अपना अभिनव रूप देखकर मैं बहुत खुश थी। विपुल, सुन रहे हो ना मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, विपुल ने कहा। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर में लाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गई। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल देखती रही। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझको रिक्शा पर लादकर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लादकर कहीं ले गए। वहां बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहां सचमुच बड़ा डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लिए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बाप रे, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट, इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार।
कितना कष्ट हुआ मुझे मैं कह नहीं सकती। मैंने सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन की, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती ही रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने, गोरा चिट्टा रूप और नाम भी नया। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, सचमुच कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। बोरी में लादकर मुझे फिर घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी। लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ? विपुल, तुम्हारी माताजी ने मुझे बोरी में से निकाला, छलनी में छानकर मेरा रूप निखारा, फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी। इसके बाद मुझ पर अनगिनत मुक्के बरसा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माताजी की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु है। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के बरसा रही है। विपुल, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माताजी ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर न रह सकी। तुम्हारी माताजी ने झट मुझे तपते हुए तवे पर डाल दिया। मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माताजी ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धैर्य रखा। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल फूली फूली गर्मा गर्म रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। विपुल, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूल कर कुप्पा हो रही हूँ, तुम जरा सी बात पर रो रहे हो। छी, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबत तो जीवन में आती ही रहती है, इनका बहादुरी से सामना करो। घबराओ मत, रो मत, मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब विपुल अपना रोना भूलकर सोच रहा था, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी